नमस्कार दोस्तों, हाल ही में ईशान किशन ने ओडीआई में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया और दोस्तों दोहरा शतक लगाने के बाद भी बीसीसीआई ने ईशान किशन पर जुर्माना लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस खबर की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे ओडीआई मुकाबले में ईशान किशन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। ईशान किशन ने दुनिया में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। दोस्तों आपको बता दें कि ईशान किशन ने 210 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी के दौरान ईशान किशन ने 10 बड़े बड़े छक्के भी लगाए। भारत के चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने ओडीआई में दोहरा शतक बनाया है। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा के नाम में यह कारनामा था और अब ईशान किशन भी इस लिस्ट में अपना नाम ऐड कर चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ईशान किशन सबसे यंग दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों के मामले में भी पहले नंबर पर आ चुके हैं। इससे पहले रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम था और रोहित शर्मा के इस रिकॉर्ड को भी ईशान किशन ने तोड़ दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ईशान किशन की इसी पारी की बदौलत भारतीय टीम में तीसरा ओडीआई मुकाबला 227 रन से जीत गया और आखिरकार इस श्रृंखला में एक मुकाबला तो आखिरकार जीत ही पाया। दोस्तों आपको बता दें कि पहले दो मुकाबले बांग्लादेश की टीम ने जीतकर ये श्रृंखला अपने नाम कर ली थी और अब पूरा फोकस रहने वाला है बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैचेस पर, क्योंकि अगर भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना चाहती है तो इन दोनों टेस्ट मुकाबलों को भारतीय टीम को जीतना होगा, जिसका पहला मुकाबला 14 दिसंबर से खेला जाएगा।